आज महिला मंडल की जो इकाई बनाई है उसकी बैठक है, और बैठक में ये अभी जो चर्चा हो रही है इनकी, महिलाओं को कुछ कार्य दिया गया है, जैसे स्वच्छता अभियान दिया गया है, घर घर जाके जागरूक करेंगे लोगों को, हम मंडल की तरफ से कूड़ेदान भी प्रोवाइड कराएंगे और सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकें, अपना नगर पहले अपना गली अपना मोहल्ला सब जाके नगर स्वच्छ होगा, इस तरह से हमने शुरुआत की। किस मंडल द्वारा कार्यक्रम? श्री राधा माधव सेवा मंडल कार्यक्रम है, 12 साल हो गए हैं हमारे मंडल में। हमारे मंडल में साल में 2 बारी ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, और 2 भजन संध्या बड़ी होती हैं। रंगों के त्यौहार को लोगों ने बदनाम कर रखा था, हमने फूलों की होली से शुरू किया है, तो आज शहर में बहुत प्रचलित है फूलों की होली में, बहुत बाहर से कलाकार आते हैं, भजन गायक आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। राधाअष्टमी के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे मंडल की एक विशेषता ही रही है कि जो पर्व त्यौहार हम लोग भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भूलती जा रही है, उनको दोबारा लाके हम समाज के सब लोगों को इकट्ठा करके एक साथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा वर्ग हमारे साथ में लगा हुआ है, महीने में 2 प्रभात फेरी होती हैं, उसमें भी बहुत अच्छी संख्या में लोग आते हैं सुबह 5 बजे, इस तरह से कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। महिला मंडल की बैठक है आज यहाँ पर, जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम जैसे हर राधाअष्टमी के प्रोग्राम करते हैं, तो इस बार 4 सितंबर को राधाअष्टमी का प्रोग्राम है, जिसमें वृंदावन से पूर्णिमा साधवी को लाया गया है भजन संध्या के लिए, और वृंदावन से कलाकार भी आते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि 13 तारीख को देहरादून को जैसे छबील लगाई जाती है, तो हमारे मंडल की तरफ से शरबत की छबील लगाई जाएगी। और उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जैसे गली गली में कूड़ा होता है, उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाएगा हमारा मंडल, सारी महिलाएं मिलकर वहाँ पर जाएंगी और सबके घर के बाहर या गली के बाहर जैसे योगा कूड़ादान लगवाएंगे, ताकि लोग गली में कूड़ा ना फेंकें और उसमें अपना सारा घर का गंदगी गली के बाहर फेंकना फेंक कर कूड़ा फेंकें। ये सब क्या नाम है?